हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हैप्पी नवरात्रि। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हेल्दी सुपर टेस्टी लौकी के सूप की रेसिपी। ये जो सूप की रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है और आपके लिए खास व्रत के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो व्रत में आप ये जो सूप की रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लौकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लौकी के फ़ायदे के बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जो हेल्दी सूप है वो आपको दिन भर की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस सूप की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो लौकी ली है और लौकी को मैंने छील लिया है, अच्छी तरह से इसका छिलका निकाल लिया है, इसे मैंने वॉश करके लिया था। और अब हम क्या करेंगे, लौकी के पीसेस कट करेंगे। मतलब हमने लौकी को रैंडमली कट करना है, कैसे भी कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो मोटा मोटा साइज़ है लौकी का, इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। कैसे भी आप कट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, व्रत में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये जो लौकी का सूप है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बरकरार रहे। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा जानेंगे लौकी के फ़ायदे के बारे में। तो जो लौकी है, लौकी वेट लॉस करने में हेल्प करती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए लौकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट को आप ये सूप दे सकते हो। उसे जो लौकी है वो नेचुरल ग्लो प्रोवाइड कराती है। यदि आप लौकी को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, कभी उसका जूस पी रहे हो, कभी आप सूप बना रहे हो, कभी आप सब्जी में ले रहे हो, तो जो आपका नेचुरल ग्लो है वो बरकरार रहता है। तो लौकी खाने से एक ये बेनिफिट होता है। कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही है, साथ ही साथ लौकी में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 और विटामिन B6 होता है। लौकी के फ़ायदों के बारे में जानने से अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सूप है वो कितना ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, और हम इसे हेल्दी तरीके से ही बनाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ ले रही हूँ दो गाजर, दो छोटी गाजर मैंने ली हैं, इसे मैंने छील लिया है और छोटे छोटे पीसेस में हम गाजर को कट कर लेंगे। गाजर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि लौकी के सूप के अंदर जो बाइट्स आएंगी ना गाजर की, उससे लौकी का जो सूप है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम ले रहे हैं यहाँ पे एक बर्तन, आप कोई भी बर्तन या सॉस पैन ले लीजिए। और इसके बाद ये जो लौकी है वो हम इसके अंदर डालेंगे, सारी की सारी लौकी हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 कप पानी। पानी डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा अदरक। अदरक जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो यहाँ पे अदरक भी जाएगा। साथ ही साथ थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट। यदि आप थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो हरी मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा दालचीनी, दालचीनी को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिया है तवा और तवे के अंदर मैंने रखे हैं ये 1/2 कप मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने को हम अच्छी तरह से इसके अंदर सेक लेंगे लो फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमारे जो दाने हैं वो अच्छी तरह से सिक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मूंगफली को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम वापस आते हैं और 5 से 6 मिनट बाद, जैसा कि आप देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी लौकी जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो गई है। यदि आप हेल्दी सूप बना रहे हो तो आपने कुकर में लौकी को बॉयल नहीं करना है, क्योंकि कुकर में लौकी बॉयल करने से क्या होता है, लौकी गल जाती है और कुछ विटामिंस मिनरल्स कुछ बचता ही नहीं है कुकर में बॉयल करने से। तो आपने सिर्फ ऐसे ही इसे बॉयल करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। और ये जो लौकी है इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे। यहाँ पे हमारे जो दाने हैं ये ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, दाने को छील लेंगे और 2 पीसेस में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे जार और जार के अंदर हमने लौकी को बॉईल किया है, ये लौकी हम इसके अंदर डालेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपने लौकी को अच्छी तरह से ठंडा करके ही लेना है, मैंने थोड़ी गर्म ही ले ली है, लेकिन आप अच्छी तरह से लौकी को ठंडा करें उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करें। सारी की सारी लौकी हम जार के अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ लौकी के साथ हमारा जो पानी बच गया था वो पानी हम थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। और अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसे ग्राइंड करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंड तो कर लिया है लेकिन ये अभी ठीक तरीके से ग्राइंड नहीं हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आपने ऐसा ग्राइंड नहीं रखना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए अभी लौकी अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुई है, इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं आया है, तो हमने इसे ऐसा ग्राइंड नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे अगेन कवर करूँगी और इसे हम अगेन ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अभी मैंने इसे दूसरी बार ग्राइंड किया है और अब आप देखिए इसका टेक्सचर। तो मैंने आपको इसे दो बार में इसलिए दिखाया क्योंकि ऐसी कभी कभी गलती हो जाती है और फिर हमारा सूप अच्छा नहीं बनता है। तो ये देखिए आपने ऐसा ग्राइंड करना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो उसका टेक्सचर, ये क्रीमी टेक्सचर है, ऐसा हमने ग्राइंड करना है। अब हम चलते हैं हमारी फाइनल प्रोसेस की तरफ। अब हम बनाएंगे लौकी का सूप और हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर सिर्फ एक चम्मच हम डालेंगे घी। हेल्दी सूप बना रहे हैं तो घी हम इसके अंदर डालेंगे और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा 1/4 टीस्पून हम यहाँ डालेंगे जीरा, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। जीरे को हमने अच्छे से क्रैकल करना है। अब बारी आती है फाइनली गाजर डालने की। तो हमने गाजर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है ये गाजर, अब हम इसके अंदर डालेंगे। गाजर को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमने इसे क्रंची ही रखना है। बस हम इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए ऐसे ही सॉटे कर लेंगे। तो इसे हम पहले मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा सूप के अंदर। दालचीनी, काली मिर्च और जो अदरक का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा आता है, तो ये तीनों चीज़ें आपने डालनी है, ठीक है। और इसे हम एक बार मिक्स करेंगे। यदि आप वेट लॉस कर रहे हो तब आप ये लौकी का सूप ट्राई कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तब आप उन्हें लौकी का सूप दे सकते हो। तो ये रेसिपी हेल्दी है, टेस्टी है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फाइनली अब बारी आ गई है हमारी ग्राइंड की हुई लौकी डालने की। तो ये जो सारी की सारी ग्राइंड की हुई लौकी है वो हम इसके अंदर डालेंगे और साथ ही साथ अब हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सूप जो है वो हल्का सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, पतला सूप अच्छा नहीं लगता। तो बस 1 कप हम पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर सेंधा नमक। मैं यहाँ व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए यहाँ पर सेंधा नमक डाल रही हूँ। यदि आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो आप सेंधा नमक ना डाल करके नॉर्मल नमक डाल सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए रखेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे बॉयल करना है 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हो रेसिपी, है ना बहुत ही शानदार और हेल्दी रेसिपी। तो ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्दी हेल्दी रेसिपी आपके लिए लाती रहती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और 5 से 6 मिनट बाद हमारा जो सूप है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ करेगा और साथ ही साथ आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हमने जो मूंगफली को सेक के रखा था वो मूंगफली के साथ हम इसे सर्व कर देंगे, है ना बहुत ही शानदार रेसिपी। आप इसे व्रत में सुबह सुबह ले सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं ऐसी शानदार शानदार रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई एम शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।